हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 4 और मैं हूं आपके साथ एके सैनी। ये व्हाइट बोर्ड स्क्रीन जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है लेक्चर नंबर 3 की थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। मैंने बताया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, सो पिछला लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज लेक्चर नंबर 4 में उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनफैक्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा क्रूशियल है। उनको समझे बिना आगे जाने का कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए उनको हम आज यहीं पर डिस्कस करके फिर हम आगे सब्जेक्ट में जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, These are point functions or state functions. Thermodynamic properties की हम बात कर रहे हैं, these are point functions or state functions, एक ही बात है। Number 2, these are independent of past history. And number 3 is these are exact differentials. So ये तीन बातें काफी important है। One by one जरा इस वीडियो में हम इन्हीं को देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं point functions या state functions की। देखो पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन को समझने के लिए अज्यूम करिए कि सपोज आपके पास एक इस प्रकार से कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है और उसके अंदर कुछ गैस है, ठीक है। इससे तो आप अच्छे से फैमिलियर हो ही। तो यहाँ पे कुछ गैस है और उस गैस का जब आप प्रेशर नोट कर रहे हो एट दिस टाइम, ठीक है, तो वो कुछ वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो मान लो वो प्रेशर अभी का जो आपको नजर आ रहा है दैट इज P1, ठीक है जी। ऐसे ही अभी इसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ये सारा वॉल्यूम, ठीक है, अगर इसको आप नोट करते हो तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी फिगर, दैट इज सपोज V1 मीटर क्यूब में, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर आ जाएगा, तो ऐसे आपके पास कुछ इसकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक थर्मोडायनामिक चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम को हम दोनों एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। मान लो ये आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम प्रेशर का स्केल ले लेते हैं और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर हमने स्केल ले लिया वॉल्यूम का, ठीक है जी। प्रेशर पी, वॉल्यूम कैपिटल वी, ये हमने स्केल ले ली और आपके पास एक चार्ट आ गया जिसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक चार्ट या थर्मोडायनामिक ग्राफ। क्यों थर्मोडायनामिक चार्ट है ये, क्योंकि इसके दोनों एक्सिस पे जो हमने प्रॉपर्टीज ली हैं वो थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। आप जानते हो ना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, सब ये प्रॉपर्टीज ही तो है जिसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को लेकर अगर कोई चार्ट ड्रॉ किया गया वो थर्मोडायनामिक चार्ट या थर्मोडायनामिक ग्राफ कहलाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने चार्ट ड्रॉ किया। अच्छा, अब देखो अभी जब आपने इसका प्रेशर नोट किया वो P1 आया, वॉल्यूम जब आपने नोट किया वो V1 आया, क्या हम इस प्रेशर और वॉल्यूम को इस चार्ट के ऊपर दिखा सकते हैं? यस, कैसे दिखाएंगे हम? देखो ये प्रेशर का चार्ट है, कहीं ना कहीं P1 वैल्यू भी लाई करेगी। मान लो P1 यहां कहीं आ रहा है, सो दिस मच प्रेशर इज P1, ठीक है। और ऐसे ही V1 क्या है, वॉल्यूम, तो मान लो ये वाला जो वॉल्यूम है यहां तक का दैट इज V1, दिस मच वॉल्यूम इज V1 एंड दिस मच प्रेशर इज P1। तो आप क्या कीजिए, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां वो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कैसे, यहां से हमने लाइन ड्रॉ की और यहां से लाइन ड्रॉ की, ठीक है, दोनों जहां मिल रही हैं वो आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको हम पॉइंट 1 लिख देते हैं। इट मींस अगर आप 1 पॉइंट पर प्रेशर नोट करते हो तो प्रेशर स्केल की प्रोजेक्शन देखोगे, यहां पे जो प्रोजेक्शन फॉल कर रही है सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P1। अगर आपने वॉल्यूम स्केल के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ की और आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज V1, इसका मतलब जब सिस्टम स्टेट 1 पर था उस टाइम प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और ये आपके पास थर्मोडायनामिक स्टेट हो जाएगी, ठीक है जी। अब सुनो, ये जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम की बात की, ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम एक पॉइंट से नहीं दिखा पा रहे हैं ना, यहां इस एक पॉइंट पर ही आपको पता लग जाएगा प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। इस एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती ना, कि प्रेशर की दो वैल्यूज हैं, वॉल्यूम की दो वैल्यूज हैं, नहीं, एक पॉइंट के ऊपर एक ही वैल्यू है प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेंपरेचर की। इस प्रकार जितनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो एक पॉइंट के द्वारा दिखाई जा सकती हैं। कहां पर? किसी भी थर्मोडायनामिक चार्ट के ऊपर। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक चार्ट के ऊपर किसी एक
एक पॉइंट के द्वारा दिखाई जा सकती है और उस एक पॉइंट के ऊपर एक ही वैल्यू होगी। हाँ, पॉइंट चेंज करेगा तो वैल्यू चेंज करेगी, या रिवर्स हम बोले, अगर वैल्यू चेंज करती है तो पॉइंट इज बाउंड टू चेंज, पॉइंट इज बाउंड टू चेंज, पॉइंट चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये पॉइंट फंक्शन है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द थर्मोडायनामिक चार्ट। इसलिए हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन बोलते हैं या स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स द स्टेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम की अभी की स्टेट क्या है, वो ये है। जब स्टेट चेंज होगी तब क्या होगा, कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया थर्मोडायनामिक प्रोसेस, करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जब स्टेट चेंज होगी तो वैल्यूज चेंज होंगी, पी वन की जगह पी टू हो जाएगा, वी वन की जगह वी टू हो जाएगा। तो आपको आ गया होगा समझ में, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन है क्योंकि ये पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं, या स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये एक स्टेट को बता रही है, एक टाइम पर एक ही वैल्यू होल्ड करेगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि किस तरह से वैल्यू चेंज होगी और स्टेट चेंज होगी, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब क्या कीजिए, पिस्टन को जरा इनवर्ड पुश दीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको पुश कीजिए, क्या होगा, पिस्टन ऊपर आ जाएगा और जो इसके अंदर गैस है वो फिर कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना, कंप्रेस हो जाएगी। और कंप्रेस होने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, फिर प्रेशर इसका बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, वो कैसे होगी, देखो ये थी सपोज स्टेट वन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद पिस्टन अंदर की तरफ मूव किया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया स्टेट टू के ऊपर। अब जो अंदर गैस है वो कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है ना। जब पिस्टन अंदर की तरफ गया तो जितने मॉलिक्यूल्स थे जिनके अंदर रैंडम मूवमेंट है गैस में, वो क्लोजनेस में आ गए और पास पास में आ गए, ठीक है, तो कंप्रेशन हो गई गैस की और प्रेशर अंदर बढ़ गया। तो पहले पी वन वी वन था, अब वो बन गया पी टू और वी टू, चेंज हुए ना। अब वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, पहले इतना सारा वॉल्यूम था, अब उसमें से ये वाला वॉल्यूम तो रहा नहीं, इतना सा वॉल्यूम रह गया। इट मींस वॉल्यूम कम हुआ है जबकि प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कम हुआ है, पहले इतना वॉल्यूम था अब कम हुआ, तो इससे इधर की तरफ आएगा, जबकि प्रेशर बढ़ा है, पहले इतना प्रेशर था अब प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मान लो प्रेशर यहां कहीं है और वॉल्यूम यहां कहीं है, ये हो गया मान लो प्रेशर P2, बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया, ये हो गया V2। यहां से भी हमने लाइन ड्रॉ की, यहां से भी लाइन ड्रॉ की चार्ट के ऊपर, जहां वो मिले वहां पर एक पॉइंट आ गया, वो हमारे पास सेकंड स्टेज आ गई। ठीक है, सेकंड स्टेट, स्टेट नंबर टू, जिसको थर्मोडायनामिक स्टेट हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से जब सिस्टम थर्मोडायनामिक स्टेट टू पर होगा तब ये वाला पॉइंट हुआ। इट मींस यहां पर प्रेशर कितना है, फिर यहां से रीड कर लीजिए, यहां वॉल्यूम कितना है यहां पर रीड कर लीजिए, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर का कोई चार्ट होगा उसके ऊपर रीड कर लीजिए। तो इस तरह से पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन का मतलब है कि प्रॉपर्टी आपके पास एक पॉइंट से प्लॉट होती है और वो एक स्टेट को बताती है किसी एक टाइम के ऊपर। स्टेट चेंज होगी तो पॉइंट चेंज होगा और वहां पे पोजीशनिंग भी हिल जाएगी, तो ये इसका मतलब बनता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी होती चली जा रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन करूंगा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एंड व्हिच इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो में मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो बने रहिए साथ में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।